27 फरवरी इस देश के लाल को श्रद्धांजलि देने कमलनाथ सरकार से जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र बघेल, उच्च शिक्षा व खेल व युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी, झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया, जोबट विधायक कलावती भूरिया व अलीराजपुर विधायक महेश पटेल व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल आए। पहले बस स्टैंड से ढोल व मांदल के साथ आजाद को नमन करने एक विशाल रैली के रूप में सभी नेता स्मृति मंदिर गए। उसके बाद टाउन हॉल पर सभी ने सभा को संबोधन किया। जीतू पटवारी ने आजाद को इस नगर का लाल कहते हुए सभी से अपील की कि देश हित में काम करें। प्रभारी मंत्री ने भी आजाद को देश का सच्चा सपूत कहा व भाभरा नगर में इस दिन आकर अपने को गौरवान्वित महसूस करने की बात कही। शेखर की पुण्यतिथि पर आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का भरपूर विरोध किया कि प्रतिमा पे जो काला रंग होता वो काली कोठी जैसे काम किया। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है कि अमर शहीद चंद्रशेखर की मूर्ति पर कोई काला रंग होता ये हमको स्वीकार नहीं है। अष्ट धातु की मूर्ति है, उसकी पॉलिश होना थी, पॉलिश होने के स्थान पर काला रंग होता गया है। हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। आगे हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे इस बात को लेकर, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सांसद गुमान सिंह डावर, पूर्व अलीराजपुर विधायक नागर सिंह चौहान, पूर्व जोबट विधायक माधो सिंह डावर व नगर परिषद अध्यक्ष निर्मला डावर ने एक विशाल रैली के रूप में स्मृति मंदिर पहुंचकर आजाद को नमन किया। वहीं सांसद गुमान सिंह डावर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बस स्टैंड के पास टाउन हॉल में बनी अष्ट धातु से बनी आजाद की आदमकद मूर्ति पर काला रंग से पेंट करने पर कलेक्टर के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। आजाद नगर से कैमरामैन सूर्यपाल के साथ नितिन शाह की रिपोर्ट।